हेलो फ्रेंड, ये ओप्पो का फ़ोन है और इसमें जो है हैंगिंग प्रॉब्लम हो गया है, इसका टच हैंग हो गया है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक हमारा फ़ोन चलते चलते जो है अचानक हमारे मोबाइल का टच काम करना बंद कर देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे मोबाइल पे फ़ोन आता है, डिस्प्ले पर कुछ भी नहीं दिखाई देता है, मतलब इसका ग्राफिक गायब हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि माइक, स्पीकर, रिंगर तीनों एक साथ काम करना बंद कर देता है। तो ये मोबाइल हैंगिंग प्रॉब्लम रहता है दोस्तों। तो मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि आपको क्या करना है दोस्तों। तो चलिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। तो दोस्तों, आपका ओप्पो का कोई भी फोन हो दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, हो सकता है कि ये वीडियो आपको कभी ना कभी काम आ जाए दोस्तों। और इस वीडियो को, इस ट्रिक को इस्तेमाल करने में कोई पैसा, कोई चार्ज नहीं लगता है दोस्तों। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक हमारे मोबाइल का टच काम करना बंद कर देता है, माइक, स्पीकर, रिंगर तीनों एक साथ काम करना बंद कर देता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अपने मोबाइल को एक बार रिबूट और स्टार्ट करना है। और अपने फोन को रिबूट और स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, वॉल्यूम अप बटन और जो है पावर बटन, दोनों बटन को आप लगातार प्रेस करके रखना है दोस्तों। 10 से 15 सेकंड वॉल्यूम अप बटन और जो है पावर बटन, ध्यान से सुनना दोस्तों, वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन को एक साथ प्रेस करोगे तो आपका फोन ऑटोमेटिक रिबूट हो जाएगा दोस्तों। और आपका जो है हैंगिंग प्रॉब्लम यदि रहेगा आपके फ़ोन में तो वो जो है 100% सही हो जाएगा दोस्तों। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक चलते चलते हमारे मोबाइल का टच काम करना बंद कर देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे मोबाइल पे जो है ग्राफिक आना बंद हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि माइक, स्पीकर, रिंगर तीनों एक साथ काम करना बंद कर देता है। तो ऐसा प्रॉब्लम यदि आपके साथ हो जाता है दोस्तों, यदि आपका मोबाइल हैंग हो जाता है, तो एक बार अपने फ़ोन को रिबूट और रिस्टार्ट करके ज़रूर देख लीजिए। रिबूट और रिस्टार्ट करने में कोई पैसा, कोई चार्ज नहीं लगता है। तो रिबूट और रिस्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, वॉल्यूम अप बटन और जो है पावर बटन, दोनों बटन को आपको एक साथ लगातार प्रेस करके रखना है 10 से 15 सेकंड तक। तो आपका फोन ऑटोमेटिक रिबूट और स्टार्ट हो जाएगा और हैंगिंग प्रॉब्लम जो भी रहेगा आपके फोन का सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए। चैनल को पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।